बिसमिल्ल रिम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सफिक्जियल डेथ एसफिक्जिया का मतलब होता है कि रिस्परेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से जो डेथ होगी उसको आपने एक्सफिकल डेथ कह देना है अब ये चैप्टर हम लोग करेंगे इसी से करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको एन आर ए से भी बता दूँगी अब जो एसफिक्जा होता है वो बता दिया कि रिस्पाइटरी फेलियर की वजह से जो डेथ होगी उसको आपने कह देना है एक्सफिक्जियल डेथ अब उसके बाद इस पेज में से कुछ भी नहीं करना है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉक्सिया का नॉक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो बॉडी में बिल्कुल ही खत्म हो गई है या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी उसको आपने कह दिया ना नॉक्सिया उसके बाद आ जाता है कि टाइप ऑफ एसविग्जिया क्या है टाइप ऑफ एक्सफिक्जिया होती है मकैनिकल यानी रिस्परेटरी ट्रैक जो है ना वो ब्लॉक हो गया है जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो रही है या तो इंटरनली ब्लॉक हो सकते हैं जैसे चोकिंग में होती है कि कोई फूड पार्टिकल आपके लेरिंग्स में अगर चला जाए तो उसको आपने कह देना है मैकेनिकल इसफिक्जिया यानी चोकिंग की वजह से डेथ हुई है और एक्सटर्नली अगर कोई बाहर से दबा दे तो ये भी मैकेनिकल एसफिक्जिया में आ जाएगा अब उसके बाद है पैथोलॉजिकल एसफिक्जिया इसमें ये होता है कि जो कोई बीमारी होगी गई है रिस्पेरेटरी ट्रैक की जिसकी वजह से डेथ हो रही है जैसे निमोनिया वगैरह हो सकता है एम्फिसमा हो सकता है ये कोई पैथोलॉजी है एसफिक्जिया के लिए ठीक है उसका आपने पैथोलॉजिकल एसफिजिया कह देना है जो टॉक्सिक एसफिक्जिया होता है उसमें ये होता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अपटेक जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है जैसे कोई साइनॉइड की पॉइजनिंग हो सकती है या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट वगैरह है पॉइजन होते हैं जिन्होंने रिस्पेरेटरी सिस्टम का पैरालिसिस करवा देना होता है जैसे जो बारबीचरेट्स होती हैं वो भी कार्ड रिस्पेरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन करवा रहे होते हैं उसके अलावा जो ओपियाइड्स होते हैं वो रिस्पेरेटरी सिस्टम का डिप्रेशन करवा रहे होते हैं तो ये पॉइजन होते हैं जिन्होंने टॉक्सिक एसफिक्जिया करवाना होता है उसके बाद है आइट्रोजेनिक एसविग्जिया ये होता है कि जो मेडिकल प्रोसेस है ना उनके दरम्यान उनकी वजह से अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसको आपने कह देना आइट्रोजेनिक एसविग्जिया जैसे अगर कोई डेंटल सर्जरी हो रही है तो तीर्थ जो है वो अगर लेरिंग्स में चला जाए तो उसकी वजह से जो डेथ होगी वो हाइड्रोजेनिक एसफिक्जिया में आएगी उसके बाद आ जाती है इन्वायरमेंटल एसफिक्जिया इन्वायरमेंटल एसफिक्जिया में होता है कि जी जो इन्वायरमेंट है ना उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी है ठीक है तो ये इन्वायरमेंटल एसफिक्जिया आ जाएगा जैसे ड्राउनिंग में अगर बंदे की डेथ हो रही हो उसमें आ जाता है इन्वायरमेंटल एसफिक्जिया उसके बाद पोजिशनल एसफिक होता है पोजिशनल फिक्जिया होता है कि जो चेस्ट है ना उसकी कंप्रेशन हो गई है उसको आपने पोजिशनल एसफिक्जिया कहते हैं बॉडी की पोजिशन ऐसी थी जिसकी वजह से इसफिक्जिया हो उसका पोजिशनल एसफिक्जिया कहते हैं अब जो सेक्चुअल एसफिक्जिया होते हैं ना इसको इरोटिक एसफिक्जिया भी कहते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें जो सेक्चुअल परवर्ट होते हैं ना वो एक स्टेट क्रिएट कर रहे होते हैं बॉडी में जिसमें हाइपोक्सिया हो रहा होता है तो वो एक डिवाइस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या पोलीथीन कवर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे वो ग्राटिफिकेशन अचीव कर रहे होते हैं लेकिन अगर वो डिवाइस जो है ना वो उनसे ना खुले यानी हाइपोक्सिया को रिटर्न ना हो हाइपोक्सिया ख़त्म ना किया जा सके तो उन लोगों में डेथ हो जाती है इसको आप सेक्चुअल स्फिक्जिया कह देते हैं आगे है टाइप ऑफ एनाजिया या हाइपोक्सिया अब जो इनोक्नोजिया होता है ना इसमें यह होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच रही होती इसको आप कह देते हैं अनोक्जिकोक्या अब इसमें जो है ना आगे से एनीमिक एनोक्या हैमिक एनोजिया का मतलब होता है कि ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन को ले नहीं रहा यानी हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल रही ठीक है उसके बाद आ जाता है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया इसमें यह होता है कि ब्लड जो है ना वो इतनी सर्कुलेशन ही नहीं हो रही होती कि ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यूज तक पहुँच सके ठीक है इसको कह देते हैं स्टेगनेट हाइपोक्सिया उसके बाद है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है ना इसमें ये होता है जो टिश्यू होते हैं ना वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते टिशू जो है ना वो अनएबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन इसको आपने कह देना हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया आगे से इसकी चार टाइप्स होती हैं एक्स्ट्रा सेलर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है इसमें ये होता है कि जो इन्जाइम्स होते हैं ना उनमें डिस्टर्बेंस आ रही होती है जिन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना होता है ब्लड से टिशू में तो इसको आपने कह देना एक्स्ट्रा सेलर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया यानी ब्लड से टिशू तक जाने के लिए रिक्वायर होते हैं इंजाइम तो वो इंजाइम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसको आपने कह देना एक्स्ट्रा सेलर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया उसके बाद है पैरिसलर पेरी सेलर का मतलब यह है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना उनमें से ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं गुजर सकती टिश्यू तक पहुंचने के लिए उसको आपने कह देना पेरी सेलुलर उसके बाद है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक का मतलब ये होता है कि बॉडी में जो है ना टिशू जो थे उनमें मेटाबोलिज्म हुआ और उनके एंड प्रोडक्ट थे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड वो इक्यूमुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अपटेक नहीं होता उसके बाद आ जाता है सबस्ट्रेट इसमें यह होता है कि सबस्ट्रेट जो होता है ना वही काम होता है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में डिक्रीज ग्लूकोज एंटर करेगा तो ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन भी कम होगी तो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन भी कम होगी इसको आपने कहते हैं सबस्ट्रेट इनऑक्जिया हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की ये एक टाइप है अब स्टेजेस ऑफ एंसविजिया एंसविग्जिया की तीन स्टेजेस होती हैं पहली है इंस्पायरेटरी डिस्पनिया इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो एंशियस हो जाता है और जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है और पर्स जो है ना वो एक्सोवेट कर जाती है और साथ में फेस जो है ना वो ब्लू हो जाता है या सैनोटिक्स हो जाता है अब उसके बाद आ जाती है एक्सपायरेटरी डिस्पनिया जो एक्सपायरेटरी डिस्पनिया होती है ना इसमें ऑक्सीजन की जो है ना वो कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है और साथ ही जो है ना जो ब्लड होता है वो डी हो जाता है अब इसकी वजह से होता क्या है कॉन्शियसनेस बंदे की ख़त्म होना शुरू हो जाती है और साथ में जो है ना ब्रीदिंग जो है ना वो स्पैमोडिक हो जाती है और साथ में लेबोरीअस हो जाती है उसके अलावा जो फेस है वो कंजेस्टेड हो जाएगा और साइनोइड हो जाएगा अब जो थर्ड स्टेज होती है ना उसमें आता है रिस्पायरेटरी पैरालिसिस जिसमें जो है ना रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ना मेडोला में प्रेजेंट होता है जब इसका पैरालिसिस हो जाता है ना तो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस आ जाता है बंदे में बंदा जो है वो अनकॉन्श ियस हो जाएगा उसकी ब्रीदिंग शैलो हो, हो जाएगी इनफ्रिक्वेंट हो जाएगी रिफ्लेक्सेस उसके खत्म हो जाएंगे और मसल जो है वो फ्लासिड हो जाएंगे अब ये थी तीन स्टेजेज होती हैं एस्फिक्सिया की अब जो जो काजेज़ ऑफ एसफिक्सिया है ना जब हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे चौकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें काजेज़ ऑफ एसफिक्जा हो जाने हैं अनैटमी ऑफ एस करने की जरूरत नहीं है आ गया है पथोलॉजी ऑफ़ एसफिक्जिया जो पैथोलॉजी ऑफ़ है ना इसमें चार पांच चीज़ें हो रही होती हैं पहली बात तो यह है कि जिस हो जाता है साइनोसिस क्यों होता है डी हीमोग्लोबिन की वजह से और इसका लेवल जो है ना फाइव ग्राम पर डेसी लीटर से अभाव होना चाहिए तब साइनोसिस आता है उसके बाद आ जाएगा कि जी कंजेशन कंजेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो वैसल में ज़्यादा आ रहा होता है जिसकी वजह से वैसल जो है वो इंगॉज हो जाती हैं और कंजेशन आ जाती है अब उसके बाद आ जाएगा अडीमा अडीमा में क्या होना होता है कि जो कपिलरीज होती हैं ना उनकी वजह हो रही होती है और उनकी परमोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से जो है ना वो फ्लूड एस्ट्रासेलर इन्वायरमेंट में चला जाएगा और अडीमा हो जाएगा उसके बाद है पटीकल हेमरेज पटीकल हेमरेजेस को टॉर्डरी स्पोर्ट्स भी कहते हैं इसमें यह होता है कि जो कपिलटीज होती है ना जब उनमें वेजिडाइजेशन होती है और परमोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और ये इंगोर्ज कर जाती है ना ब्लड वेसल की वो ब्लड की वजह से तो कपिलरी जो होती है ना वो रेपचर कर जाती हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं उसको हम लोग टॉर्टर स्पॉट कहते हैं या पर्टिकुलर हैमरेजेस कहते हैं अब ये जो पटीकल हेमरेजेज़ होते हैं ये एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इंटरनली भी एक्सटर्नली ये स्किन पे होते हैं स्पेशली जो है ना कंजक्टाइवा में ये बहुत ज़्यादा होते हैं आइज़ पे आ जाएगा और नेक एरिया वगैरह पे आ जाएगा इंटरनली जो है ना ये म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं स्कैल्प वगैरह पे आ जाएंगे इन चीज़ों पर होते हैं अब जब आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे ना उसमें जितने भी पॉइजन होंगे मोस्ट ऑफ द पॉइजन जिन्होंने एक्सफिजिकल डेथ करवानी है तो उसकी पोस्टमार्टम और पेरेंट्स में ये चीज़ें आएंगी कि साइनोसिस होगा पटीकल हमरेजेज़ वगैरह होंगे अब पटीकल हेमरेजेज़ जो होते हैं ना वो रेड कलर के स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं आपको और आप उसको जो है ना वो टॉर्ज स्पॉट कह देते हैं ये देखिए ये पटीकअल हेमरेजेज़ हैं और ये कपलीट इसके रपच्चर की वजह से आ रहे होते हैं ये देखिए कंजक्टावा वगैरह पे हैं स्किन पे हैं स्के्प पे भी होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पे प्रेजेंट होंगे इनको आपने टॉर्ज स्पॉट या पटीकल हेमरेज़स कह देना है अब उसके बाद है फ्लूडिटी ऑफ ब्लड फ्लूडिटी ऑफ ब्लड इन में ना फिर जो है ना वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से ब्लड की फ्लुडिटी आ जाती है क्योंकि वो फिबरन की डिकम्पोजिशन करवा रहा होता है इसलिए फ्लूडिटी ऑफ ब्लड आ जाएगा अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो बायोकेमिकल चेंजेस क्या आ रही होती हैं जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं बायोकेमिकल चेंजेस में ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो रही होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाएंगे जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं तो पी जो है ना वो आटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि स्ट्रेस का वो वो हो रहा है सिंपथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं उसके बाद जो सोडियम पोटाशियम पम्प होते हैं ना उनको भी डैमेज आ रहा होता है बायोकेमिकल चेंजेस में ये चीज़ आ जाएगी और पैथोलॉजिकल चेंजेस में पाँच चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने भी आपको बता दी हैं इसके बाद है इसके मकैनिकल है जो मकैनिकल इसफिक्जा होती है ना इसमें होता है कि जो रिस्पेरेटिव ट्रैक है ना वो ब्लॉक हो रही होती है अब कैसे ब्लॉक हो रही होती है या तो एक्सटर्नली होगी या इंटरनली होगी अब इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं पाँच पेपर में तो उसमें पहली बात यह है कि जी एक्सटर्नल ओपनिंग अगर ब्लॉक होगी ना तो आपने उसको सफोकेशन कह देना होता है अब सफोकेशन की आगे से होती हैं चार टाइप्स पहली होती है स्मूदरिंग स्मूदरिंग में ये होता है कि जो ये नोज़ होती है और माउथ होता है इसको कवर कर दिया जाता है जिसकी वजह इसको स्मूदरिंग आपने कह देना गैगे

सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं जब अंदर से करेंगे तो उसमें चौक आ जाती है यानी कोई फूड बॉल है वो ट्रेकिया में जाकर अगर फंस जाता है तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है उसके बाद बाहर से स्ट्रेंगुलेशन करवाई जा सकती है स्ट्रेंगुलेशन आगे से चार तरह के होती है गिरोटिंग हो सकती है एलगेटेड तो स्ट्रेंगुलेशन भी उसी को ही कहते हैं मैनुअल हो सकती है थ्रोटलिंग होती है और एक बैंक से डोला होती है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके अलावा हैंगिंग हो सकती है अब उसके बाद है कि जो कंप्रेशन ऑफ द बॉडी या चेस्ट इसको हम लोग कह देते हैं ट्रोमेटिक एसफिक इसमें होता है कि अगर कोई बंदा लेटा हुआ था उसके उसके ऊपर जो है ना उसके चेस्ट पे अगर कोई ट्री वगैरह गिर गया है या कोई बैठ गया है तो उसकी वजह से ट्रोमेटिक एज हो जाना है इसको इस, इसको इसमें ले आना है कंप्रेशन ऑफ द बॉडी एंड चेस्ट में अब उसके बाद है कि जी सफोकेशन क्या होती है सफोकेशन में ये होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ना उसको ब्लॉक करना होता है कैसे ब्लॉक करना होता है एक्सटर्नल ओपनिंग हमारी कौन सी होती है नोज होता है और मौत होता है उन दोनों को ब्लॉक कर देना तो ये सफोकेशन हो जाएगी इसके आगे से चार टाइप होती हैं स्मोदरिंग है गैगिंग है ओवरलाइन एस्फिक्जिया है और सेक्चुअल एस्फिक्जिया है, है जो स्मोदरिंग होती है ना इसको मैनुअल क्लोजर भी कहते हैं क्यों मैनुअल क्लोजर कहते हैं क्योंकि इसमें हाथ के साथ जो है ना मुँह को और जो जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है

जो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है उसमें वो पैथोलॉजिकल चेंजेस सारे लिखने हैं जिसमें कंजेशन आ जाना है साइनोसिस आ जाना है एडिमा होगा पोटिकल हेमरेजेस आ जाएंगे और फ्लुडिटी ऑफ ब्लड आ जाएगा अब नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग जो नॉन स्पेसिफ़िक फाइंडिंग होती है ना उसमें इंजरीज आ जाती है ब्रूजेज वगैरह आ जाएंगे एब्रेशन वगैरह हो सकता है माउथ और नोज़ के अराउंड उसके बाद है कि जी नेजल बोन जो है ना वो टूट गई होती है तीथ भी टूट सकते हैं और पोस्टमार्टम लेवीडिटी जो है ना इसकी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है अब अगर आपको पोस्टमार्टम लेवीडिटी का नहीं पता तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है वो आप जाकर देख लीजिएगा अब उसके बाद है कि जी गैगिंग क्या होती है गैगिंग में ये होता है कि जी जो माउथ होता है उसमें क्लॉथ को स्टफ़ माउथ को स्टफ़ कर देते हैं क्लॉथ के साथ जिसकी वजह से जो है ना वो स्ट्रक्शन हो जाती है एयर की रिस्पायरेटरी ट्रैक में एयर नहीं जा रही होती अब वो होता है जो क्लॉथ होते हैं ना उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं अब उन पोर के थ्रू जो है ना वो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा होता है लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है और जो है ना म्यूकस और सलाइवा वगैरह जो है ना इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और ये जो है ना क्लॉथ के जो पोर होंगे ना उनको ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज बिल्कुल ही नहीं होगा और बंदे की डेथ हो जाएगी अब इसमें कॉज ऑफ़ डेथ क्या हो सकते हैं एनॉक्जिक नोक्सिया हो सकता है वेगल इनहिबिशन हो सकता है और उसके बाद लेरेंजियल स्पेल्स में हो सकता है ये इसमें आ जाते हैं गैगिंग में काज ऑफ़ डेथ आ जाएगा अब उसके बाद आट फाइंडिंग है पहले नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग

उसकी वजह से उसकी डैथ जो है ना वो बहुत कम होती है क्योंकि बच्चे में जो है ना वो रिफ्लेक्स सिस्टम जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और बच्चा अपनी पोजिशन को चेंज कर लेता है अब ओवरलिंग भी हो सकती है दूसरे के साथ यानी मदर जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे के ऊपर लेट जाए तो उसको सफोकेशन हो सकती है उसके बाद बच्चों में क्या होता है बच्चों में ना एक गेम होती है स्पेस गेम होती है उसमें ना हेलमेट इस तरह के बनाए होते हैं कि जिसकी वजह से हाई हो रहा होता है अब ये स्पेस गेम होती है उसमें हेलमेट जब बच्चे पहनते हैं तो वो अडहेयर काट जाते हैं और जिस तरह की फेस की शेप होती है ना उसी तरह वो चेंज हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में भी सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है और अडल्टे में वही सेक्सुअल परवर्ट्स वाला आ जाना आटोरेटिक सफोकेशन वगैरह हो सकते हैं या अल्कोहलिक और एपिलेप्टिक में जो टांग है वो भी बैकवर्ड जा सकते हैं और दूसरा ये कि वो अगर गिर जाए माटे वगैरह में तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो सकती है अब होमोसाइडल सफोकेशन जो है होमोसाइडल सफोकेशन बच्चों में ज़्यादा होती है अडल्ट में इतनी नहीं होती क्योंकि अडल्ट का साइज़ अच्छा खासा होता है उनमें रजिस्ट करने की पावर अच्छी खासी होती है इसलिए अडल्ट में बहुत कम होती है क्योंकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है इन्फेंट्स में स्मूदनिंग जो है ना वो कामनेस्ट मेथड होता है इन्फेंटिसाइड का इन्फेंटिसाइड होता है कि जी मर्डर करना इन्फेंट का इस पर एक पूरा टॉपिक है ये वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद आ जाएगा सुसाइडल और ये नहीं पॉसिबल अब इसके बाद है चौकिंग चौकिंग में ये होता है कि जी कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी बोलेस वगैरह या कोई कॉइन वगैरह कुछ भी आपकी लिरिक्स में चला गया जिसकी वजह से ल्रेंजियल स्पेल हो गया या काफ रिफ्लैक्स जो था वो एक्टिवेट नहीं हुआ और लिरिक्स की हो गई और इंस्परेशन ख़त्म हो गई इसको आपने चॉकिंग कह देना है अब मेकानिजम वही है कि जी वॉलेंट कफिंग आउट वैसे जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो काफ़ रिफ्लैक्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं लेकिन अगर काफ़ रिफ्लैक्स जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होता तो इसकी वजह से चौकिंग हो सकता है ठीक है? है, है, है।, है अब इसमें जो है ना टू टू थ्री मिनट्स में जो है ना वो डेथ हो जाती है अब अटॉपसी फाइंडिंग क्या आ जाएगी अटॉपसी फाइंडिंग वही सारी आ जानी है और दूसरी, जो इसमें मेन आनी है ना जब आप नेक ओपन करेंगे अटॉपसी करेंगे तो जो लेरिंग्स वगैरह होगी या ट्रेकिया वगैरह होगी उसमें आपको कोइन वगैरह नजर आएगा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी वो आपको नजर आएगा अब उसके बाद जो है ना आप के बंदे में आपने टांग को जो है ना एग्जामिन करना होता है और बाइट मार्क देखने होते हैं पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल जो होती है ना वहाँ पे इंजरीज होती हैं अब मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में चोकिंग जो है ना वो होती है एक्सीडेंटल है उसके बाद कैफ़े क्रोनरी सिंड्रोम ये होता है कि जो बंदा होता है ना वो कैफ़े में गया होता है वहाँ पर उसने कोई चीज़ खाई बोलस आया लेरिंग्स में और ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसकी डेथ होगी और इसको क्रोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सिम्टम होती है ना वो हार्ट अटैक को मिमिक्स कार भी होती हैं अब काज इसका कोई भी हो सकता है कि एक तो गैर रिफ्लैक्स जो था वो सब हो गया यहाँ जो है ना कार्डियल रेस्ट हो गया रिफ्लैक्स कार्डियल रेस्ट हो गया तो ये था कैफे क्रोनरी सिंड्रोम है तो अब इसका एक ना एम सी पूछते होते हैं कि एक बंदा गया एक हो, होटल में गया वहाँ पे इसने रोटी खाई है और उसकी डेथ हो गया तो उसकी क्या रीज़न थी तो ये कैफे क्रोनरी सिंड्रोम उसकी रीज़न होती है अब जो ट्रैंगशन है ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे